स्क्रीन पे। अच्छा, ठीक। सर हो रहा है? अच्छा, हाँ, देख तो रहा है, लेकिन विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, क्लैरिटी की। पेज तो आया। अच्छा, ठीक है, चलो इतने से ही काम बन जाएगा। हाँ, अब मैं कुछ पूछूंगा, आप बताना। इसमें पहला क्या लिखी हो? ए इक्वल्स टू, एररलेस डायग्नोसिस, एरर लेस डायग्नोसिस। एररलेस डायग्नोसिस। ओके, ए आपने लिखा है एरर लेस डायग्नोसिस की घटना, ठीक है ना? तो इसमें इवेंट लिखना चाहिए, पहले लिखना चाहिए कि ऐसी बात, बात जो जब बात कोई बात ऐसी होती है जो कि कंफर्म नहीं है कि होती होगी, तो उसको हम लोग ठीक है। अब ओके सर। क्या कोई इसके साथ और भी इवेंट जुड़ा हुआ है क्या? सर जिस पे एरर एरर होगी। हो होगी तो उसको भी लिखना चाहिए हमको। हाँ, कि अब अगर आपने ए लिखा है तो आप उसको बी लिख दीजिए, चाहे डब्ल्यू लिख दीजिए, चाहे कुछ और लिख दीजिए। अमूमन हम लोग उसमें, चूंकि इसी से रिलेटेड वो घटना है, तो उसमें आई लगाते हैं। ए, जैसे इसको लिखा ए वन, तो अब उसको लिखेंगे ए टू। इवेंट दैट डायग्नोसिस वाज नॉट करेक्ट, पहले में आपने लिखा डायग्नोस, इवेंट दैट डॉक्टर डायग्नोसिस वाज करेक्ट, किसके लिए, किसके लिए? हेलो सर, आपकी आवाज़ कट हो रही है। ओके, मैंने कहा कि इवेंट दैट, ए मीन्स इवेंट दैट डॉक्टर्स डायग्नोसिस वाज करेक्ट, आवाज गई? यस। ओके, तो ये मैं पूछ रहा हूं कि ये डायग्नोसिस किसके लिए, नहीं ए के लिए सर, एररलेस डायग्नोसिस। नहीं किसके लिए एररलेस डायग्नोसिस? पेशेंट पेशेंट के पेशेंट पेशेंट के लिए किसी भी पेशेंट के लिए, कि जो डॉक्टर के पास आया है और जिसके डॉक्टर के मरने की पास प्रोबेबिलिटी हम जानने चाहते हैं, जो डॉक्टर के पास आया है। जो डॉक्टर के पास आया है। तो हमको यहां पे और क्लैरिटी के साथ लिखना चाहिए कि लेट ए वन इक्वल्स टू इवेंट दैट द डॉक्टर्स डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट इज करेक्ट। अब ए टू लिख सकते हैं कि इवेंट दैट द डॉक्टर्स डायग्नोसिस फॉर दैट पेशेंट इज इनकरेक्ट। हम जनरल पेशेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जो पेशेंट डॉक्टर के पास आया है दवा कराने के लिए, हमें उसी के मरने की प्रोबेबिलिटी बतानी है और किस तरह से, उसकी दवा से। ऐसा नहीं है कि वो कार चला रहा हो, एक्सीडेंट से मरने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है? तो डॉक्टर के इलाज से मरने की प्रोबेबिलिटी बतानी से निकालना है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कर्ड, मतलब जो पेशेंट है वो कब ठीक हो रहा है? ही विल क्योर्ड. जो आदमी डॉक्टर के पास आया था और जो उसका ट्रीटमेंट ले रहा है, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये पता करना है आपको. ठीक है, तो अब जब ये इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ या लिखने की क्या जरूरत है? D इज इक्वल्स टू ड्यू टू ट्रीटमेंट डायग्नोसिस राइट करेक्ट. ड्यू टू ट्रीटमेंट डायग्नोसिस इज करेक्ट, इसका क्या मतलब हुआ? सर मतलब जब डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है पेशेंट का, तो कितनी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो ज्यादा सही कर रहा है पेशेंट को, इस वजह से? तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कह रहा चाह रहे हो ना, पेशेंट के ठीक होने की बात करना चाह रहे हो ना? यस. तो हम यहां लिखते कि पेशेंट दवा से ठीक होने की घटना, यहां लिखते बी को कि पेशेंट के दवा से ठीक होने की घटना. ठीक है, या इवेंट दैट पेशेंट वाज अब ये आपको नहीं बताया गया है पॉइंटेड क्वेश्चन में. आपको ये बात पॉइंटेड नहीं बताया गया है, यही तो पूछा गया है कि कितना होगा. yes. ठीक है, अब ये पॉइंट एट क्या बताया गया है जरा उसकी लैंग्वेज पढ़ो. अब देखो यहाँ ऑफ सर्वाइविंग तीन चीजें, दो चीजें हैं केवल, दो चीज ध्यान से देखो. तो एक है डायग्नोसिस का टाइप और दूसरा है बीमारी का ठीक होना. ठीक है, टाइप को आपने ए वन ए टू लिखा और बीमारी के ठीक होने को बी लिखा है. ठीक है, अब जो आपको प्रोबेबिलिटी पॉइंट एट बताया गया है, वह क्या केवल बीमारी के ठीक होने का बताया गया है या बीमारी के ठीक होना किसी कंडीशन पे बताया गया है? कंडीशन पे बताया गया कि डायग्नोसिस अगर करेक्ट है तो वो ठीक होगा. अब देखो डायग्नोसिस करेक्ट कहां लिखा हुआ है इसमें नोटेशन में? डायग्नोसिस करेक्ट बी पे. कौन सा नोटेशन आपका कह रहा है कि डायग्नोसिस करेक्ट? सब बी. बी तो नहीं कह रहा है सर, ए कॉम्प्लीमेंट पी ए सर, 0.9 वाला बता रहा है कि करेक्ट है कि नहीं. हाँ, ये नोटेशन आपका कह रहा है कि डायग्नोसिस करेक्ट है. ये नोटेशन आपका कह रहा है कि डायग्नोसिस करेक्ट नहीं है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट एट वाला पार्ट क्या बोल रहा है, जरा फिर से उसको पढ़िए. The probability of surviving by his treatment is 0.8 if his diagnosis. Probability of survival. Survival कहाँ इसमें कहीं लिखा है? A में survival लिखा है? नहीं. बोलो, A में survival लिखा है क्या? No sir. केवल उसके diagnosis सही है या गलत उसके लिए. केवल यही लिखा है कि उस व्यक्ति को कि बीमारी को डॉक्टर सही सही पकड़ लिया. कहीं survival नहीं लिखा है. ए कॉम्प्लीमेंट में सर्वाइवल लिखा है कि वो बच गया, बीमारी से बच गया, नहीं लिखा है. बी में सर्वाइवल लिखा है? बी का स्टेटमेंट क्या था इसको मत पढ़ो, इसको हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है. बी का अगर कुछ नहीं है इसमें यही खाली लिखा गया है कि डॉक्टर की दवा से मरीज ठीक होने की घटना. yes. अगर नहीं है इसमें. yes. ठीक है, डॉक्टर की दवा से मरीज के ठीक होने की घटना, और इसी घटना की हम प्रोबेबिलिटी चाह रहे हैं कि डॉक्टर से दवा की दवा से मरीज ठीक हो जाए. ठीक है, तो हमने इस घटना को लिख दिया बी. अब इसको हम क्या पढ़ेंगे कि डॉक्टर की दवा से मरीज ठीक होने की घटना या इवेंट दैट, प्रोबेबिलिटी नहीं, इवेंट दैट पेशेंट इज क्योर्ड बाई मेडिसिन ऑफ डॉक्टर. अब पॉइंट एट को फिर पढ़िए,
कि वो बी के विषय में बोल रहा है कि ए के विषय में बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट के विषय में बोल रहा है कि इनके अलावा किसी के विषय में बोल रहा है। बी के, प्योर बी के कि बी पे कुछ शर्त लगा के बोल रहा है। शर्त लगाएंगे सर, कौन सी शर्त लगाएंगे? ए की लगाएंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट की लगाएंगे कि कुछ और की लगाएंगे? ए की। ठीक है, अब ये जो पॉइंट एट है यह प्रोबेबिलिटी है, किसकी है? बी की नहीं है, बी बाई ए है। बाई मत पढ़ो, बी गिवन ए, बी गिवन ए, हाँ वो डिविजन नहीं है। ठीक है, बी गिवन ए है, क्लियर। अब एक चीज और कुछ बताया गया है शायद, द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्योर्ड इज 0.1। फिर से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्योर्ड फिर आ गया, लेकिन फिर देखेंगे कि ये कंडीशनल है कि अनकंडीशनल है। कंडीशनल होगी सर, कंडीशनल होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन क्या? ए कॉम्प्लीमेंट। गुड, ए कॉम्प्लीमेंट, वो कितना हुआ? 0.1। तो अब आपका ये नोटेशन गलत था, बी कॉम्प्लीमेंट कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि ये बनेगा नहीं, हम इसका कॉम्प्लीमेंट तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ कोई नीड नहीं था लिखने का, और यह बी नहीं था और यह बी डैश नहीं था, क्योंकि हम यही तो चाह रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम बी को कंडीशनल नहीं डिफाइन करेंगे, कंडीशन तो यहां से आएगी ए से। ठीक है, अब यहां पे एक और नोटेशन ले लिया था क्या? पी इट विल बी क्योर्ड, पेशेंट विल बी क्योर्ड, तो आपको यही लिख देना था, यहीं से काम चल जाता, इस डिफाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब आपने कंडीशन देखो, आपने पी हाँ, पी गिवन ए को बी लिख दिया है, हमें जो लगता है कि आपने पी गिवन ए को बी लिख दिया था। तो अब ऐसे लिखने से ना कंडीशन का कॉन्सेप्ट देखो, लिख तो रही हो पी गिवन ए, बी गिवन ए को बी, बी को बी गिवन ए नहीं लिख सकते ना, पी अगर यहां आपने डिफाइन किया तो पी यहां पे होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि आप जब यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ पी लिख रहे हो तो यहां भी पी अक्षर आना चाहिए, इधर भी पी अक्षर आना चाहिए। ठीक है, और ये कई लोगों में हमने देखा कि यहाँ पे आप जो भी नोटेशन ले रहे हो वो नोटेशन इधर नहीं आ रहा है, उसको कुछ और नोटेशन से आप दे रहे हो। ठीक है, आप वो कर दो, इसको ऑफ कर दो प्रेजेंटेशन को। ओके सर। ठीक है, अब रही बात जो हम थोड़ी सी चीज और आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं तब आपके प्रॉब्लम। आपकी क्लास कितने बजे से है? 2 बजे से ना उनकी, राकेश की? यस सर। ओके, यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, फिर से मैं इस प्रॉब्लम पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका व्हाट्सएप देख नहीं पाया जब उस समय मैं पीपीटी बनाने में बिजी था, क्योंकि मेरा वीडियो बन नहीं पा रहा है इस पीपीटी के न बनने की वजह से। तो आज अभी केवल एक स्लाइड बना पाया हूँ, उसी पे थोड़ा सा आपको फिर से यही प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन आपके पास गया था जो हमने आपको एक पीडीएफ भी भेजा है ना? यस सर। पीडीएफ में हमने कुछ एक दो क्वेश्चन था, जैसे एक क्वेश्चन था डॉक्टर जॉय इज नॉट अ गुड मेडिक, जिस पर कि हम लोग काम कर रहे हैं, बस परसेंटेज बदल गया है, ये एक डॉक्टर है जो ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, अब अगर एक पेशेंट उसके पास जाता है तो संभावना कि पेशेंट की बीमारी को डॉक्टर
सही सही जान ले या 30% है। अब आगे कहा गया, इवन इफ द डायग्नोसिस इज करेक्ट, अगर उसने सही सही भाप लिया बीमारी को, लेकिन जो दवा दे रहा है हो सकता है वो सही ना हो। तो अब कहा गया कि अगर डायग्नोसिस उसने करेक्ट कर लिया तो चांस उसके मरने का 60% है। बीमारी सही भापा लेकिन उसके ट्रीटमेंट से उसके मरने का चांस 60% है। इसी तरह से अगर उसने बीमारी को गलत अंदाज लगाया कि इस आदमी को यह बीमारी है, वो उसका अंदाज गलत है और दवा करने लगा, अंदाज गलत लगा के दवा करने लगा, हाँ प्रॉब्लम थी पेट की, दवा करने लगा गले का डायग्नोसिस करके, उस केस में मरीज के मरने की प्रोबेबिलिटी 95%। अब पूछा गया कि अगर एक पेशेंट, ये डॉक्टर की कहानी है, अब कहा गया कि अगर एक पेशेंट उस डॉक्टर के पास जाता है तो उसके मरने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुल मिलाकर के 3 चीजें हैं। पहला है डॉक्टर का डायग्नोसिस, यही से खेल शुरू हो रहा है। अब डायग्नोसिस करेक्ट हो सकता है, डायग्नोसिस इनकरेक्ट हो सकता है। हमने इसको लिखा A1, इसको लिख दिया A2। A1 means घटना, इवेंट दैट डॉक्टर्स डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट वाज करेक्ट। सिमिलरली हम A2 लिख सकते हैं कि घटना, इवेंट दैट द डॉक्टर्स डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट वाज इनकरेक्ट। अब जो भी हुआ हो, पता नहीं क्या हुआ, सही सही उसने किया डायग्नोसिस की गलत किया, ये तो भगवान जानते हैं। उसने दवा चला दी, डॉक्टर के पास गया है तो अब दवा चला देगी तो एक आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या आया? पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट डाइज, मर नहीं गया। हम जानना चाहते हैं कि ऐसे खतरनाक या ऐसे अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जिसकी क्वालिटी क्या हो, बताइए, ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिसकी क्वालिटी क्या हो कि नंबर 1 कि वो बीमारी को सही सही परख ले, इसकी संभावना 30%, बीमारी को सही सही न परख पाए, इसकी संभावना 70%। अगर वो बीमारी को सही सही परख करके दवा दे तो मरीज के मरने की संभावना 60%, और अगर वो सही सही समझ कर न करके दवा दे तो मरने की संभावना 95%। ऐसे डॉक्टर के पास हम दवा कराने जाएं तो उसकी दवा से मरने की संभावना क्या है। अब ये जो मरना है पेशेंट का, वो इस केस में भी हो सकता है और इस केस में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बी को जानना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बी हमारा हमेशा, बी का मतलब क्या हुआ? इवेंट दैट पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट डाइज, उसके मरने की संभावना को हम, की घटना को हम बी से डिनोट कर रहे हैं। अब फिर से हम टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से या इस सेट नोटेशन से, मैथमेटिक्स की सहायता से इस सैंपल स्पेस को बी के टर्म में लिख सकते हैं, A1 इंटरसेक्शन बी यूनियन A2 इंटरसेक्शन बी। और अब चूंकि ये दोनों डिसजॉइंट हैं, इसमें PB कहां से आ गया, ये गलत है, PB A1 इंटरसेक्शन B यूनियन A2 इंटरसेक्शन B ही केवल होना चाहिए, ये पार्ट गलत है। अब चूंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, इसलिए अब आप एक्सियम यूज करके PB को निकाल सकते हैं और
ये आया 85%। तो इस ये 85% क्या कह रहा है, कोई बताएगा हमको? सर प्रोबेबिलिटी सर कि ये चांस है कि 85% ये हाँ, फिर से एक बार फिर से क्यों सर जो भी दिखाएगा मतलब 85% चांस है कि मरने का, कि 100 में 85% मरे। जो भी अब कोई भी आदमी उस डॉक्टर के पास जाएगा तो उस डॉक्टर की दवा से मरने की संभावना 85% है, ठीक है, क्लियर। अब इसी को समझने के लिए बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, जब हमने सोचा कि एक और तरीका अपनाएं आपको। वो तरीका क्या है? दो बातें हो रही हैं, एक तो डॉक्टर डायग्नोसिस कर रहा है और दूसरा है कि पेशेंट या तो जी रहा है या तो मर रहा है, ठीक है। अब डॉक्टर की जो डायग्नोसिस है यह दो तरह की है, करेक्ट और इनकरेक्ट, ये दो तरह की है। और पेशेंट के पास दो ऑप्शन आप में है कि उसकी दवा से या तो ठीक होगा या तो मर गया, मर जाएगा। अब हमने क्या लिखा, इसको बी लिखा, इसको बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, हालांकि हम लोग इंटरेस्टेड थे बी में, इन बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं थे। अब देखिए हो क्या रहा है, आपको इसमें से प्रोबेबिलिटी किसकी मालूम है, ए वन की, ये पता है आपको। प्रोबेबिलिटी मालूम है ए टू की, ये पता है। अब और क्या मालूम है, बी गिवन ए वन मालूम है, बी गिवन ए टू मालूम है, और आप जानना क्या चाहते हैं, बी का, ठीक है। अब ये सारा खेल इन्हीं चार सेल में है, ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, ठीक है। और अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी या इसकी प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं। इसी क्वेश्चन में हम ये भी जान सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर जॉय के पास जाए दवा कराने तो उसकी बीमारी ठीक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सर जो हम लोग ये डाइंग के निकाले हैं प्रोबेबिलिटी, हाँ, तो सर इस वन में से इसको माइनस कर देंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आ जाएगी ना कि कितना एकदम आ जानी चाहिए, और नहीं तो आप करके देख सकते हो ये सर। तो फिर इधर से फिर हम लोग क्यों इतना करेंगे? हाँ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम बता सकते हैं यहीं से। दो ही घटनाएं हैं, या तो वो मरेगा या तो ठीक होगा। तो जब मरने की प्रोबेबिलिटी 85% आ गई तो इसी प्रॉब्लम में जीने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या ठीक होने की प्रोबेबिलिटी, 15%, ठीक है ना। अब देखो आप इसको और इसको ऐड करोगे इन दो प्रोबेबिलिटी को तो किसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, बी की। और इनको इनको ऐड करोगे तो किसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, बी कॉम्प्लीमेंट की। इसी तरह से इधर ये जो ए वन आप जान रहे हो या जो आप ए टू जान रहे हो, ये किन दो प्रोबेबिलिटीज का सम है, इसका और इसका। देखो इसमें भी ए वन है, इसमें भी ए वन है, हाँ, यहां बी है, यहां बी नहीं है। अब इसको हम सम करेंगे तो ये ए वन की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए वन का होना पक्का है, इस दोनों ही बता रहे हैं कि ए वन होगा, इसलिए जब हम इनको सम करेंगे तो ए वन की प्रोबेबिलिटी हमको मिल जाएगी। सिमिलरली यहां ए टू है, कॉमन दोनों में है, और कोई ए टू के साथ ऑप्शन नहीं है, तो जब हम इन इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो ए टू की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। आप हमेशा इस प्रश्न को करने के लिए इस तरह से सोचिए। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में ये लाइन नहीं रहती, ठीक है, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर एक आदमी डॉक्टर जॉय के पास जा रहा है और वो दवा कराए तो मर जाए। इसकी जगह पे मान लो ये लिखा हो, एक आदमी दवा कराने गया, हाँ अच्छा एक चीज, इस स्टेटमेंट से क्या यह लग रहा है कि डॉक्टर जॉय के पास कोई गया था दवा कराने, बोलिए, इस लास्ट स्टेटमेंट से क्या आपको लग रहा है
कि कोई पेशेंट उनके पास दवा कराने गया था? सर इतने लोग मरेंगे कोई नहीं जाएगा। नहीं नहीं, आपको इसमें से इस सेंटेंस की भाषा से ऐसा लग रहा है कि वो दवा कराने कोई गया था उनके पास? नहीं सर, नहीं सर, नहीं लग रहा है। यस। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा हूं यहां पर कि ए पेशेंट वेंट टू डॉक्टर जॉय फॉर ट्रीटमेंट, ए पेशेंट वेंट टू डॉक्टर जॉय फॉर ट्रीटमेंट एंड ही डाइड बाय हिज ट्रीटमेंट। अब बताइए, अभी भी yes, sir. अभी कोई गया था कि नहीं? yes, sir. इस बार तो श्योर हो गया। अब तो ये घटना श्योर हो गई। कौन सी घटना? बी की बी गिवेन ए की बी गिवेन ए टू, ए वन की बी गिवेन ए टू की बी, मरने गिवेन ए टू सर। आपने मरने को बी लिखा था और मरने अनसर्टेन था क्योंकि 85% एक केस में था और 15% दूसरा केस में था। अगर ये 100% आ गया होता तो इसका मतलब है कि बी सर्टेन था। तो इस क्वेश्चन में बी सर्टेन नहीं था, बी अनसर्टेन था, तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। अब मान लीजिए कि इसी बात को कह दिया गया कि ये सर्टेन हो है, एक आदमी गया और मर गया, तो वह बी की प्रोबेबिलिटी है कि ए वन की प्रोबेबिलिटी है कि ए टू की प्रोबेबिलिटी है? सर नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से मैं यहां बोल रहा हूं, इस लाइन को मैंने मिटा दिया और मैंने लिखा ए पेशेंट वेंट टू डॉक्टर जॉय एंड बाय हिज ट्रीटमेंट ही डाइड। अब बताइए ए वन का ए वन इवेंट जो हमने बनाया था ये सही वही रहेगा कि नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में? ए वन स्टेटमेंट हमारा एज सच यही रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा सर। रहेगा ना? नहीं रहेगा सर। डायग्नोसिस करेक्ट है ना इसमें तो? अरे ये कहां से मालूम हो गया कि डायग्नोसिस करेक्ट है? वही मैं कह रहा हूँ कि अब इस क्वेश्चन में अभी भी हमारा ये जो डिफाइन किया हुआ था इवेंट, ये इवेंट वैलिड है कि नहीं? जब हमने यहाँ लिख दिया कि एक पेशेंट आया था मर गया दवा से, हमारी ये डिफिनीशन सही है कि नहीं? क्या हो गया भाई? आवाज नहीं जा रही है? मैंने कहा कि हमने इस क्वेश्चन में यहां से लेकर के यहां तक इवेंट बनाया था, हाँ, और फिर हमने ये पूछा था आपसे कि यह घटना घट गई, ये आपको मालूम है कि नहीं कि कोई आया था कि नहीं? अब हमने कहा कि एक पेशेंट आ गया था, हम बता दे रहे हैं, तो ऊपर की घटनाएं वही रहेंगी कि बदल दी जाएंगी? क्वेश्चन के क्या हमारा ए वन सेम रहेगा, वही रहेगा कि बदल जाएगा? ए वन था वही रहेगा कि वही मरीज की डायग्नोसिस करेक्ट थी? अब यहां पे हमने कह दिया कि मरीज आया था दवा कराया मर गया, तो हमारी ए वन घटना वही रहेगी कि बदल जाएगी? वही रहेगी। ए टू घटना वही रहेगी कि बदल जाएगी? वही रहेगी। बी घटना में क्या था? पेशेंट डाइज। बी घटना वही रहेगी कि बदल जाएगी? वही रहेगी। पहले क्या था कि बी का प्रोबेबिलिटी हमको नहीं मालूम था, अब हमको क्या है? बी का प्रोबेबिलिटी मालूम है। बी का प्रोबेबिलिटी कितना है? वन। हाँ, पहले हमको नहीं मालूम था क्योंकि वो सर्टेन नहीं था, अब हमें बता दिया गया कि बी हो चुका है, तो अब कोई आपसे बी की प्रोबेबिलिटी पूछेगा?
नो सर। आप क्या पूछेगा कैसे मरा? डायग्नोसिस करेक्ट थी या इनकरेक्ट? डायग्नोसिस करेक्ट थी या इनकरेक्ट? तो अब वो किसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। फिर से किसकी पूछी जाएगी? इसकी, ए वन की। कब? जबकि हमको मालूम है कि बी हो गया, ए वन गिवन बी, या हमसे पूछा जाएगा ए टू गिवन बी। कब? जब हमको मालूम हो कि बी घटना हो गई। ठीक है, इसको कहते हैं बेज प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? बेज प्रोबेबिलिटी। जैसे कोई घटना घट जाए तो उसके कारण क्या है। बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अब उसको कैसे निकालेंगे? तो अब हम क्या चाहते हैं? पी इसकी प्रोबेबिलिटी पी ए वन की तो हमको मालूम है 30%, अब पी ए टू की भी मालूम है 70%। तो अब हम नया क्या जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन से? पी ए वन गिवन बी। हाँ, पी ए वन गिवन बी क्या होगा, पी ए टू गिवन बी क्या होगा। जैसे कल अगर बारिश हुई है तो आज बारिश होने की क्या संभावना, ये ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगा बारिश का कि हम खाली कहें कि आज बारिश होने की क्या संभावना ज्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि कल बारिश हुई थी इसलिए आज बारिश होने की संभावना हमने निकाला 70% आया है, यह ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है बारिश के लिए कि हम ये बोले कि आज बारिश होने की संभावना 70% है। किसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी? कल बारिश हुई थी इसलिए आज की निकालेंगे तो। हाँ, क्योंकि ये जो है आपका एक नॉन इंफॉर्मेशन के आधार पे आ रहा है। कल हुई थी मतलब मौसम बढ़िया बना होगा बादल के लिए, बरसात के लिए, आज हमारी होने की संभावना ज्यादा होगी। और अगर हमने ऐसे ही बोल दिया कि 70% है किसी और तरीके से, हमने देखा नहीं कि पीछे क्या हुआ, तो हो सकता है कि उतनी संभावना न हो। तो हमेशा जब किसी घटना की पीछे की घटना से जोड़ करके हम निकालती तो प्रोबेबिलिटी में एक्यूरेसी बढ़ती है। ठीक है, इसी को कहते हैं बेज प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो हम इसमें जो हमने पीछे का पीपीटी लिया हुआ है हम उस पर फिर से चलते हैं। ये पीपीटी आपको दिख रहा होगा हमारे ख्याल से। यस सर। इसके पहले जो मैंने पिछले जो हमारा लास्ट वीडियो है जिसमें कि हम लोगों ने ये निकाला था कि एक डाई फेंकते हैं तो उसके कितने पॉसिबल चीजें बनी थी आप में,
6 वाला था, ठीक है। अब यही डॉक्टर की डायग्नोसिस में कहा हो गया, ये 6 बॉक्स कितने बॉक्स में कन्वर्ट हो गए? हेलो सर, क्वेश्चन रिपीट करिएगा प्लीज। ये इस क्वेश्चन में हमने कितने बॉक्सेस लिए थे इनिशियली? फर्स्ट टाइम 6 पॉसिबिलिटीज थी कि डाई 1 दिखाए, डाई 2 दिखाए, डाई 3 दिखाए, 4 दिखाए, 5 दिखाए, 6 दिखाए। हम अब इसको रिलेट कर रहे हैं डॉक्टर वाले एग्जांपल से। तो डॉक्टर के एग्जांपल में कितने पॉसिबिलिटीज थी इनिशियली? 2। डायग्नोसिस करेक्ट हो या डायग्नोसिस इनकरेक्ट हो, ठीक है। और इसमें इन 6 में से एक सेकेंड बात हो रही थी, वो क्या था? सिक्के का रिजल्ट। डॉक्टर वाले केस में सेकेंड बात क्या है? डॉक्टर की दवा का रिजल्ट, ठीक है। यहां जो सिक्के का रिजल्ट पूछा गया था 4 हेड के लिए पूछा गया था, वहां डॉक्टर के दवा का रिपोर्ट क्या पूछा गया है? कि मरीज मर गया या मरने की प्रोबेबिलिटी मरीज की, यहां 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी उस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने 6 हिस्सों में बांटा था सैंपल स्पेस को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, और उसमें से दूसरा इवेंट हो रहा था, वहां पे 2 हिस्सों में बांटा गया है और उसमें दूसरा इवेंट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, A1, A2, A3, A4, A5, A6 की। डॉक्टर वाले में दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी क्या? नहीं थी। एक की 0.3 थी और एक की 0.7, ठीक है। अब जब इसमें से हमने निकाला A की प्रोबेबिलिटी, तो हमको A की प्रोबेबिलिटी टोटल लाने बता दिया, ठीक है, और हम लोगों ने इसको निकाल लिया टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से कि ये आपका 29/384 आएगा। ये किस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मालूम था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मालूम था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, A4, A5, A6 मालूम था, साथ ही साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी मालूम थी किसकी? A की, जिसकी कि अनकंडीशनल निकालना चाह रहे हैं। सेकेंड टाइम में जो घटना घट रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाह रहे थे, लेकिन उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको मालूम थी कि यहां पे डायग्नोसिस होगी तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये वाली डायग्नोसिस होगी तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये वाली होगी तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो हर जगह इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमको मालूम थी लेकिन कंडीशनल थी, और हम अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका निकालना चाहते थे और हम लोगों ने निकाला। अब क्या 4 हेड आया था क्या एक्सपेरिमेंट में? कि आने की संभावना है, ये बोलिए सर, आने की संभावना है, आने की संभावना है। अब अगर हम बता दें कि हमने डाई फेंका, डाई पर जो भी पॉइंट आया उतने सिक्के फेंके, और जब हमने सिक्कों को देखा तो हमको सिक्कों पर 4 हेड दिखाई दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A=1, ठीक है। लेकिन अब यहां समस्या होगी कि जो हमने 4 हेड देखे वो कितने सिक्कों के ऊपर देखे? 4 सिक्कों के ऊपर देखे कि 5 सिक्कों के ऊपर देखे कि 6 सिक्कों के ऊपर देखे कि 3 सिक्कों के ऊपर देखे कि 2 सिक्कों के ऊपर देखे कि 1 सिक्के के ऊपर देखे, क्योंकि ये जो दिखना हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ क्वाइंस पर। तो मतलब हम लोग रिवर्स फिर से रिवर्स में जाके देख, अगर हमको मालूम हो गई घटना
सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमको पता चल गया कि हैपन हो गया, तो अब हम रिवर्स जा करके देख सकते हैं कि इसके कारण हैपन, इसकी वजह से हैपन हुआ इसकी क्या प्रॉबिलिटी, या इसकी वजह से हैपन हुआ इसकी क्या प्रॉबिलिटी। तो जब आप ऐसा जाओगे तो इसे कहते हैं बेस थ्योरम। ठीक है, अब यही मैंने यहां बताया है इस वीडियो में। लेट अस डिस्कस अनदर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ए वन गिवन ए। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन आप जानते हो कितना है, 1/6। अब क्या कहा गया कि हमने सिक्कों पर चार हेड देख लिया है भाई, अब बताओ ए वन की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कि डाई पर एक नंबर दिखाई दे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि संभव नहीं है। तो जब हमने जब हमने चार हेड देख लिया तो अब हमारी पुरानी प्रोबेबिलिटी रिवाइज हो गई, जानकारी हमारी क्या हो गई, अपडेट हो गई। पहले हमारे पास जानकारी थी कि हम जो खेल खेलने जा रहे हैं इस खेल में एक पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब हमने आपको बता दिया कि भाई देखो हमने चार हेड तो देखा है, अब तुरंत आपकी प्रोबेबिलिटी इस नॉलेज से रिवाइज हो गई, ठीक है, और अब ये प्रोबेबिलिटी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगी। ये क्या है भाई, जरा इसको कोई पढ़ के बताएगा कि क्या लिखा है, इसको लैंग्वेज में कोई पढ़ के बताएगा, बताएगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू गिवन ए। नहीं, ये तो मैथमेटिक्स है भाई, हम तो भाषा में पूछ रहे हैं कि सामान्य आदमी इसको समझ ले कि क्या लिखा है। ए की प्रोबेबिलिटी पता है जबकि हमें ये मतलब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी, ए टू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि पता है कि ए की प्रोबेबिलिटी इतनी है। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है जबकि आपको पता है कि ए की प्रोबेबिलिटी इतनी है, मतलब कितनी है, चार हेड आने की मतलब सिक्को पे चार हेड आ गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि हमारा उस पे डाई पे टू आया हो। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन जो इन्होंने बोला है जरा इनको भी और इससे और क्लैरिटी निकलेगी। इन्होंने बोला है कि ए की प्रोबेबिलिटी पता है, हमको ए की प्रोबेबिलिटी पता है इसलिए ए टू की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि ए की कितनी प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है। वन, जैसे ही आपने गिवन कहा इसका मतलब आपको ये 100% मालूम हो गया कि आपने सिक्कों पर क्या देखा, क्या देखा, चार हेड। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि कितने सिक्कों पर, क्योंकि आपने निकाला क्या, आपका सेकेंड लक्ष्य क्या था, चार हेड की प्रोबेबिलिटी जानना। तो ये कंफर्म हो गया कि आपने चार हेड देखा, लेकिन ये नहीं कंफर्म हुआ कितने सिक्कों पर। तो अब यहां पर ए जब आपने कहा कि हैपन हो गया इसका मतलब ए की प्रोबेबिलिटी 1, अब बताओ कि ए टू की क्या प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली ये भी जीरो, और अब ए फोर गिवन है, क्या ये भी जीरो होगा, नो सर। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हमने इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिख दिया, इंटरसेक्शन बाय दिस, ये डिफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अब ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालने का ये तरीका हमने यूज किया जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं, डिवाइडेड बाई पी ए। अब पी ए हम निकाल चुके हैं पहले, वही हम यहां पे ला करके रख देंगे, ठीक है, पी ए इज इक्वल्स टू जो हमने पहले निकाला है, और इसको सॉल्व किया तो अब कितना आ गया, 1/6 की जगह पे आया 14%। ए फाइव गिवन ए भी हमने निकाला,
ये 5/32 कहां से आया होगा, तो मैंने पीछे आपको बताया है इसमें कि जब आप 5 सिक्के फेंकोगे तो 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/32। हाँ, अब इससे आपको फिर से A5 की प्रोबेबिलिटी अंडर दिस नॉलेज 34%। इसका मतलब है कि ये बताइए कि अगर आपने 4 सिक्का देखा हो तो खेल में डाई पर कौन सा नंबर दिखने की संभावना बराबर ज्यादा थी? 6 ज्यादा थी। लेकिन अगर आपने खेल का रिजल्ट नहीं देखा तो सभी पर दिखने की संभावना कितनी थी? 1/6 थी। लेकिन जैसे ही आपको अपने खेल के विषय में एक जानकारी मिल गई, जैसे बरसात किसी भी दिन हो सकती है, संभावना बराबर है, जैसे ही हमको मालूम हुआ कि कल बरसात हुई थी, आज के बरसात की संभावना क्या हो जाएगी? रिवाइज। इसको कहते हैं अपडेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब देखिए पहले क्या, बिफोर क्या था, इवेंट A1, A2, A6, प्रोबेबिलिटी बिफोर सबकी 17/1/6 थी। इसको राउंड करने में 17%, लेकिन टोटल करोगे तो वन से हो सकता है भाग जाए, तो राउंडिंग एरर होगा। अब हमने A को ऑब्जर्व कर लिया इस गेम में। अब इस जान जब ऑब्जर्व कर लिए, जब इसकी जानकारी हो गई, अब हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। किसके द्वारा? इस बेज थ्योरम के द्वारा, बेज लॉ के द्वारा। हाँ, और अब हमारी प्रोबेबिलिटी ये होगी। ठीक, अब मान लीजिए कि एक चोर है। ठीक है, उस चोर को जेल से भागने के 6 रास्ते हैं, वो किसी भी रास्ते से जेल से भाग सकता है। ठीक है, अब जब वो रास्ता पकड़ रहा है रास्ते इससे जा सकता है, इससे जा सकता है, इससे, और आपको यह बताया गया कि अगर वो इस रास्ते से भागे तो उसके सफलतापूर्वक भाग जाने की प्रोबेबिलिटी बता दी जाए। इसी तरह से यहां से भागे इस रास्ते से तो उसके सफलतापूर्वक भागने की प्रोबेबिलिटी बता दी जाए, 6 से बता दिया गया। अब कोई कहे कि एक जेल में कैदी था, वो भाग गया, भागे तो सफलतापूर्वक भागने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे? टोटल लॉ। ठीक है, क्योंकि दो बातें फिर हैं, रास्ते हैं 6 और एक भागने का है, भागने की प्रोबेबिलिटी हमको मालूम है और हमें बतानी है, और हमें प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भागने की पता है 6 रास्तों से, और 6 रास्तों का प्रोबेबिलिटी पता है, तो टोटल लॉ से बता दें। लेकिन अगर यहीं पे जेलर के उस जेल से एक कैदी भाग गया, पता चल गया कि वो भाग गया, अब सरकार ढूंढना चाहे कि उसने कौन सा रास्ता पकड़ा होगा, उस रास्ते पर कैमरा देखें, सीसीटीवी कैमरा, किस रास्ते का सीसीटीवी कैमरा देखें तो ज्यादा बेटर होगा, तब वो कौन सा रूल लगाएंगे? बोलिए। तब वो बेज प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे 6 रास्ते का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A2, A3, A4, A5, A6 गिवन A। ये इसका एप्लीकेशन है बेज थ्योरम का। इसका जो प्रूफ है आपको जो हमने भेजा हुआ है उसमें दिया है, तो मैं पहले उसको खोलता हूं। प्रूफ
एजिटेशन ठीक है, ये आपको शेयर दिखा कि नहीं? यस सर, दिखा। ओके, देखिए ये लिख रहे हैं टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आर द टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ एंड बेस थ्योरम। ये दोनों ही डील होते हैं किस पर? पार्टीशनिंग ऑफ सैंपल स्पेस, डिसजॉइंट पार्टीशनिंग ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, अब ये हमारा सैंपल स्पेस है और ये इसके डिसजॉइंट पार्टीशन है और इन्हीं में एक इवेंट बी हैपन हो रहा है। अब अगर आप बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे इसको? टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, और यह प्रोबेबिलिटी समेशन पी ए आई इंटू बी गिवन ए आई, आई गोज फ्रॉम वन टू के, जैसा कि हमने आपको पीपीटी में बताया है, दिखाया है, दो लाइन का प्रूफ है इसका। फिर है उल्टा जाए, रिवर्स बेज रूल। बेज रूल में क्या होगा कि रिवर्स जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी, तो हमको जब टोटल लॉ से यहाँ पे वैल्यू मिल गई तो वो ला के यहाँ नीचे रख दिए और इसको सॉल्व कर दिए, ये बेस फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को आप लोग डिराइव करना सीख लीजिएगा, अमूमन एग्जाम में लोग पूछते हैं कि स्टेट एंड प्रूव बेस थ्योरम। अब इसको प्रूव करने में पहले हमको टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बताना होगा और तब उसके बाद ये तीन स्टेप में ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। और एक एग्जांपल हम इस पे और करते हैं। अब टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट क्या है कि मान लीजिए कि आपके सैंपल स्पेस के बहुत सारे पार्टीशन हो। अब इस पीपीटी में यहाँ बी वन बी टू बी एम लिखा हुआ है, हमने इसको ए वन लिखा था और इसके अंदर कोई दूसरी घटना घट रही थी, इसको इसमें ए लिखा गया है और हमने इसको बी लिखा था। तो यूनियन ऑफ ए आई पी ए बराबर होगा समेशन पी ए इंटरसेक्शन बी आई, मीन्स पी बी आई इंटू पी ए गिवन बी आई। और बेज रूल में क्या हो जाएगा? ये उल्टा चलेगा, यही बेज फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी रिवाइज हो रही है, ए आई की कि बी की? सॉरी, अगर हम इस नोटेशन को देखें तो बी आई की प्रोबेबिलिटी रिवाइज होती है बेज में कि ए की? ए की सर, बी आई की, बी आई की। हम इस नोटेशन में बदल दिए हैं इसलिए अब आप ए को बी बोलिएगा, बी को ए बोलिएगा। हाँ, किसकी रिवाइज होती है? बी आई की। हाँ, या जिस जो हमारे पार्टीशन हुए हैं जिस इवेंट पर, सैंपल स्पेस का डिसजॉइंट पार्टीशन हमने जिस इवेंट पे किया है वही प्रोबेबिलिटी रिवाइज होती है बाद में। ठीक है, अब अनरिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी को कहते हैं प्रायरी प्रोबेबिलिटी या प्रायर प्रोबेबिलिटी। आज की दुनिया में प्रोबेबिलिटी के जितने भी मानक हैं, जितना भी इस काम हो रहा है, सब इसी रूल पे हो रहा है।
चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे जो कुछ हो, मैक्सिमम काम इसी पे हो रहा है, एडवांस वर्क जिसे कहते हैं बेजियन फिलॉसफी। और ये पूरा का पूरा बेजियन फिलॉसफी बस इसी फार्मूले पर है, इतने पर। और जो जो चीजें सॉल्व नहीं हो पाई थी फिल्म की फिल्मी दुनिया से लेकर के और फिजिक्स की दुनिया तक, इस फार्मूले ने बहुत कुछ सॉल्व किया है कंप्यूटर की सहायता से। तो बीआई को हम बोलते हैं प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। और जैसे ही ए ऑब्जर्व कर लिए और बीआई को बदल अपडेट किए तो इसको बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस सर। मान लीजिए कि कोविड का टेस्ट हो रहा है, कोविड के कितने टेस्ट इस समय चल रहे हैं, कितने मतलब टेस्ट टाइप हैं कोविड के? भाई आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर और ये सब पढ़ते होंगे। थ्री कौन कौन से? हेलो, नहीं पता सर। अरे रोज अखबार में तो निकलता है एंटीजन, दो तीन आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट। इसके अलावा एक और था, अभी बीच में वो बंद कर दिया था उन लोगों ने, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। बहुत सारे टेस्ट हैं। ठीक है, अब सबसे ज्यादा रिलायबल कौन है? आरटीपीसीआर। अब कोई टेस्ट रिलायबल होने का क्या मतलब होता है? अच्छा, आप सभी लोग एक टेस्ट तो जानते होंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट, जानते हैं कि नहीं? सुना है कि नहीं? सबने सुना होगा। ये भी कई तरीके से होता है। ठीक है, एक तरीका है कि यूरिन जो है लिया जाता है एलईडी का, और उससे पता किया जाता है कि इनको कुछ उसमें लैब में एक्सपेरिमेंट करके कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। और कोई तरीका है? है, आपको लैब में जाने की जरूरत नहीं है, दुकान पे जाइए और कहिए कि हमको प्रेगनेंसी किट दे दो, प्रेगनेंसी टेस्ट किट दे दो, तो आपको एक स्ट्रिप देगा और घर पे आइए और उसमें यूरिन का कुछ ड्रॉप डाल दीजिए, आपको कुछ कलर सिस्टम में दिखाई देगा और उस कलर सिस्टम से पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। ठीक है, अब सभी किट है, सबकी क्षमता एक जैसे होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग, सबकी अलग अलग होगी। इसी को कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब एक्यूरेसी से मतलब क्या हुआ? मान लो कि एक फीमेल से टेस्ट किया और उसने कहा प्रेग्नेंट नहीं है, तो टेस्ट एक्यूरेट है कि नहीं? यस सर। फिर मान लो कि एक महिला प्रेग्नेंट है और आपने टेस्ट किया उससे, तो उसने कहा कि प्रेग्नेंट है, ये भी एक्यूरेसी है कि बीमार को बीमार घोषित करे और स्वस्थ को क्या घोषित करे? स्वस्थ।
अब अगर ऐसा होगा कोई टेस्ट तो उसको बोलेंगे 100% एक्यूरेट। ये अगर उसके अंदर बीमारी है तो वो बीमार बोले, अगर उसके अंदर बीमारी नहीं है तो उसको बीमार ना बोले। अगर कोई ऐसी मशीन बना ली जाए जांच की तो हम बोलेंगे कि यह 100% एक्यूरेट है। और दुनिया में आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो कि 100% एक्यूरेट है, ठीक है। अब ये जो मशीन है चाहे जिस चीज की जांच लेने के लिए हो इस एग्जांपल में, वह कितना एक्यूरेट है? नाइन्टी फाइव परसेंट। यानी कि अगर 100 बीमार आदमियों की जांच इसमें से कराएं तो कितनों को वो बीमार बोलेगा? 95 को। और 100 स्वस्थ आदमी की जांच कराएं इस मशीन से तो वो कितनों को स्वस्थ बोलेगा? 95 को। इसका मतलब है कि ये कुछ गड़बड़ करेगा, ठीक है। डॉक्टर जॉय के जैसा है। अब ये हमको मालूम है कि हमारे समाज में 1% लोग उस बीमारी से ग्रसित हैं जिसकी जांच करता है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि ये जो एंटीजन टेस्ट है यह 50% इसकी एक्यूरेसी है। अब एक्यूरेसी 50% में यह होता है कि अगर ये पॉजिटिव बोल रहा है तो समझिए कि मरीज को है, लेकिन अगर ये निगेटिव बोल रहा है तो ये मत समझिए कि मरीज को नहीं है, और लेस रिलायबल है एंटीजन टेस्ट। लेकिन ये जो टेस्ट हम एग्जाम्पल में लिए हुए हैं इससे बहुत बढ़िया है, कम से कम 95% दे रहा है। अब मान लीजिए कि 1% लोगों को कोविड है समाज में, हमारे पास जो डेटा है उससे हमको मालूम है कि समाज में कोविड 1% लोगों को है। अब अगर हम उस समाज से, हमको मालूम नहीं है, एक आदमी को हमने चुना, हमको नहीं मालूम है कि उसको कोविड है कि उसको कोविड नहीं है, हाँ उसके अंदर कोविड पाए जाने की संभावना कितनी है? 1%। और 9 पाए जाने की संभावना कितनी है? 99% किसी भी व्यक्ति में अगर ऐसा कहा गया तो। अब हमने एक व्यक्ति को चुना और उसका हमने टेस्ट कराया इस टेस्ट से, क्या जरूरी है कि वो निगेटिव मिले? बोलिए। नहीं सर। नहीं, नहीं क्या सर। जरूरी है कि वो पॉजिटिव मिले? नहीं नहीं सर। नहीं। तो अब हमको जानना है प्रोबेबिलिटी कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी वो आदमी जिसका कि हमने टेस्ट कराया उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। अब फिर से आपसे मैं कुछ पूछूंगा, आप बताइएगा कि क्या यहां पर अगर हम डॉक्टर जॉय की तरह से इसको बांटें तो हम बांट सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो क्या हम लोग फिर से A1 A2 कुछ लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। 95% A1, 95% A1 मतलब क्या? A1 में डायग्नोसिस करेक्ट है। डायग्नोसिस करेक्ट है A1। ओके, तो डायग्नोसिस इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 5%। ओके, अब जो हम लोगों का बीच के गोले वाला इवेंट था वो इसमें क्या है? कोविड पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव,
टेस्ट पॉजिटिव या टेस्ट रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव, ठीक है ओके। और हम सर आप कुछ टाइप कर रहे हैं क्या? नहीं टाइप तो नहीं कर रहे हैं क्यों आवाज कट रही है क्या? नहीं सर ठीक है। तो यहां पर हमको चाहिए टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रोबेबिलिटी, ओके। अब देखिए हमने क्या लिखा, टी प्लस, अब यहां ए वन बदल दिया, डिनोट द इवेंट दैट ए पर्सन इज टेस्टेड पॉजिटिव, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नहीं? इसी, यस सर, इसी की निकालनी, इसी की निकालनी। अब हमने क्या लिखा, टी माइनस निगेटिव, ठीक है। अब डी डिनोट इवेंट दैट ए पर्सन हैज द डिजीज, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ए पर्सन हैज डिजीज, इसमें बताया गया है ना? यस सर। 1% तो 0.01, तो डी कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? 0.99, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या प्रोबेबिलिटी? टी पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी टी पॉजिटिव। अब टी पॉजिटिव कैसे होगा भाई? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी पॉजिटिव ये डिपेंड करेगा डी इंटरसेक्शन, डी इंटरसेक्शन टी पॉजिटिव, डी इंटरसेक्शन टी निगेटिव, यही आपका बनेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टी पॉजिटिव गिवन डी, इसको पढ़ें अगर हम लोग लैंग्वेज से, तो ये क्या कहा गया, रिपोर्ट के पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि आप क्या जानते हो पक्का रूप से? डी, डी जानते हो। डी मतलब क्या, कि जिसकी जांच करा रहे हो उसके में बीमारी है, उस दशा में रिपोर्ट के पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी कितना? 0.95 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी पॉजिटिव गिवन टी निगेटिव, इसका क्या मतलब हुआ कि रिपोर्ट के पॉजिटिव आने तो यह प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5%। यस, तो यहां 5% हो गया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट मतलब पर्सन को डिजीज नहीं है, 1% लोगों को डिजीज है तो 99% को डिजीज नहीं है। अब इसको ऐड कर दिए तो ये हो गया इतना। अब इसमें ये पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन, यहां से काट दिया जाएगा ये चीज, ये सेंटेंस काट देंगे, ए पर्सन वाज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। अब क्या लिखेंगे, ए पर्सन वाज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। अब क्या पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी, कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज रियली पॉजिटिव, ही वाज रियली पॉजिटिव। पर्सन वॉज टेस्टेड पॉजिटिव ये मालूम हो गया, अब पूछा जाएगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही वॉज रियली पॉजिटिव।
means probability of D given T plus. अब ये कौन बताएगा? बेस थ्योरम. हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन टी पॉजिटिव. हाँ, डिनोमिनेटर आप निकाल चुके हो टोटल लॉस से, केवल यही प्रोबेबिलिटी ऊपर रख देना है. और ये कितना आया? 16%. यानी कि अगर आपने जांच 95% एक्यूरेट किट से किया है और उस व्यक्ति में, उस समाज में 1% लोग बीमारी से ग्रसित हैं और आपकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो आपके अंदर बीमारी होने की संभावना 100% नहीं है. ठीक है, कितने परसेंट है? 16%. 16% ही है. और हम लोग समझते हैं कि रिपोर्ट आ गई तो हमको ये बीमारी है. इसका मतलब आप में क्या एक जागरूकता आनी चाहिए कि जब भी रिपोर्ट आवे तो आप क्या पता करें कि जिस चीज से ये जांचा गया है उसकी एक्यूरेसी कितनी है. ठीक है, जिस भी चीज से ये जांचा गया है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, और दूसरी चीज जिस बीमारी को ये बता रहा है वह समाज में कितना है, कितने प्रतिशत लोगों को हो है, इसका एक अंदाजा हमारे पास होना चाहिए और तब हम जा करके बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे. ठीक है, तो ये हम बेस थ्योरम पे यही कहेंगे. आप प्रूफ आप लोग देखिएगा, नहीं आने पे हमसे पूछिएगा. जो हम सिर्फ देते हैं इसमें प्रूफ है, या कोई भी किताब उठाएंगे कक्षा 8 की भी तो आपको बेस थ्योरम का प्रूफ मिल जाएगा. तो हम प्रूफ पे नहीं जा रहे. हाँ सर, ये पीपीटी शेयर कर दीजिएगा. जरूर कर देंगे हम. अगर नहीं याद आया, नहीं कर पाए तो आप हमें बता देना. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. अब आते हैं कि आप, अरे तो 2 बज गया. ओके, डाउनलोड में कल शायद बुक नहीं रखी थी, कल में तो दिखा नहीं रहा है. मेल में देखें, अच्छा यहाँ से भी मिल जाएगा. हमारे सारी यूएसबी खराब हो गई, गायब हो गई, सब कुछ हमारा गायब हो गया डेटा. पता नहीं एक यूएसबी खुली नहीं रही है, हर चीज उसमें रखी हुई. बुक कॉपी स्टैटिस्टिक्स हियर. हाँ, इसमें आपका क्या है क्वेश्चन नंबर, कुछ बताओगे? 2 पॉइंट की 3 पॉइंट? सर 2.1. कंट्रोल एफ 2.1. नेक्स्ट फाइनाइट सैंपल स्पेस. तो आप लोगों को कुछ पढ़ने का आनंद आ रहा है क्या? यस सर. चलिए, हाँ अब इसमें क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हलवा क्वेश्चन है भाई. हमने आपको एक ठे क्वेश्चन बताया था कि 5 ठे बाल हैं, 2 ठे लाल हैं, 3 ठे काला हैं. यहाँ पे कितने बाल हैं बोलिए? यहाँ पे कितने बाल हैं? 18 ठे बाल हैं. वहां हमने बताया था कि कुछ लाल हैं, कुछ काले हैं. यहाँ पे कुछ लाल हैं, कुछ काले हैं, कुछ पीले हैं, कुछ गोरे हैं. समझ में आया कि नहीं?
तो लाल मतलब मेंस ओवर 21, काला मतलब मेंस अंडर 21, लाइक दैट, क्लियर? अब क्या कर रहे हो वहां पे, हम लोग तीन लाल दो काले में से एक निकालते थे, तो उसके लाल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बताते थे? 3/5, ठीक है? 3 red 2 black, और उसमें से एक निकाला रेंडमली, तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी 3/5, ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 2/5, एक निकालने पर। यहां भी क्या किया जा रहा है, उसमें से एक निकाला जा रहा है। अब इन्होंने प्रोबेबिलिटी इवेंट बना दिया, उसमें एक तो बनाया ए, क्या पर्सन इज ओवर 21। अब जैसे ही इसने इसकी बात करी, आप अपने गेंदों को बदल दीजिए। अब ये मत कहिए कि हमारे पास चार तरह के गेंद हैं, अब कहिए कि हमारे पास कितने तरह के गेंद हैं? दो तरह के, एक लेस देन 21 ईयर और एक मोर देन 21 ईयर, ठीक है? अब लेस देन 21 ईयर वाले कितने हैं? 4, 3, 7, और मोर देन वाले कितने हैं? 11। तो अब आप उसमें से एक निकाले हो, तो ओवर 21 वाले कितने मिलेंगे? 21, 11/18, ठीक है? पर्सन इज अंडर 21, इसी तरह से आप निकाल लो। अब आया सी, पर्सन इज मेल। अब क्या करो, इनको फिर से इन चार तरह को दो में बदल दो, झोले में मेल, सो पर्सन इज मेल 1/2, पर्सन इज फीमेल 1/2, ठीक है? अब है इवेल्युएट फॉलोइंग, पी बी यूनियन डी, ये बराबर होगा पी बी प्लस पी डी के, अगर बी और डी इन डिसज्वाइंट है तो। अब आइए जरा देखा जाए, बी कितने टपल का सेट है? 21। बी कितने टपल का सेट है? 21 टपल का। और डी कितने टपल का सेट है? 1 टपल का, ठीक है? अब देखा जाए कि इसमें कुछ कॉमन होगा कि नहीं। तो बी में कौन है? 21 साल से ऊपर वाले, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी हैं बी में, है कि नहीं? और डी में कौन है? सभी फीमेल हैं, एज चाहे जो हो, तो कुछ कॉमन मिलेगा कि नहीं? इसमें सभी एवव 21 एज के हैं और इसमें सभी फीमेल हैं, तो बी और डी में कितने एलिमेंट कॉमन मिलेंगे? पहले कॉमन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तीन वोमेन जो है ये कॉमन मिलेंगी ओवर अंडर 21 वाली, वो इसमें भी होंगी और इसमें भी होंगी। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन डी बराबर पी बी प्लस पी डी माइनस पी बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है? अब बी इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या हुआ? तीन, हाँ क्या? यस सर, तीन वुमेन, वोमेन अंडर 21, ठीक है? तो अब आप फिर से इस गोले को बदल दो, एक जगह लिख दो वोमेन अंडर 21, अब बकिया को एक साथ कर दो। वोमेन अंडर 21 में कितनी हो गए? 3, बाकी में कितने हो गए? 15, फिर 18 हो गया। और एक आप निकाल रहे हो, चाह रहे हो वोमेन अंडर 21 मिले, 3/18, उसको माइनस कर दिया। बात समझ में आई?
अब ये कॉम्प्लीमेंट में है, आप चाहो तो इसको डिमॉर्गन्स रूल से, डिमॉर्गन्स लॉ से यूनियन में कन्वर्ट कर दो और फिर आसानी से निकाल लो। समझ में आ रही है कि नहीं बात? यस सर। ओके, अब यहाँ पे एक ही निकाला था, ये सब खेल कठिन होते हैं जब एक से ज्यादा निकालते हो। अब यहां देखो, 10 लोग बैठे हैं कमरे में, सबके पीठ पर एक बिल्ला लगा है, जैसे फुटबॉल मैच का खिलाड़ी हो 10, क्या लगा है? 1 to 10 नंबर लगा है। अब इसमें से 3 आदमी को चुना जाता है रेंडमली और कहा जाता है कि आप कमरे से बाहर निकल जाइए, और जैसे ही वो निकल रहे हैं पीछे से हम उनका नंबर देख करके लिख ले रहे हैं। यही काम किया जा रहा है। तो हमको मालूम है कि हम 3 निकालेंगे तो कौन कौन सा नंबर हमारे पास आएगा पहले से? नो सर, नहीं मालूम है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट नॉन डिटर्मिनिस्टिक हुआ, इसका सैंपल स्पेस बनेगा कितने टपल का बनेगा? 3 टपल का बनेगा। और पॉसिबल एलिमेंट कितने होंगे? तो 10 चीजों में से कितनी चीजों को निकाल रहे हैं हम? 3 चीज को। तो या तो 10^3 बनेंगे, या तो 10C3 बनेंगे, या तो 10P3 बनेंगे। 10^3 कब बनेंगे? जब हम तीनों को विद रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हैं। यहां क्या कहा गया है? 3 persons are chosen at random। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों को पकड़ा एक साथ हाथ से और तीनों को खींच के बाहर निकाल दिया। तो ये विद रिप्लेसमेंट हुआ कि विदाउट रिप्लेसमेंट? विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हो गया कि ये पॉसिबिलिटी या तो 10C3 होगी या तो 10P3 होगी। ये भी क्लियर? अब है कि हम 10P3 से मालूम करें कि 10C3 से मालूम करें? तो अब देखा जाएगा कि जिस बात की हमें प्रोबेबिलिटी पता नहीं है वो ऑर्डर बेस्ड कह रहा है कि टोटलिटी में बात कर रहा है। अब देखिए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट स्मॉलेस्ट बैच नंबर इज 5? कह रहा है कि जो आप 3 थे लिखोगे उसमें स्मॉलेस्ट क्या हो? 5 हो। अब ये टोटलिटी की बात कर रहा है कि ऑर्डर की बात कर रहा है पॉसिबल आउटकम में? टोटलिटी की बात नहीं कर रहा है बेटा। अब आपसे कह रहा है कि हर ऑर्डर पे देखो, पहले पे देखो क्या लिखा है, दूसरे पे क्या लिखा है, तीसरे पे क्या लिखा है, और जैसे ही आपको इसमें से किसी पर सबसे छोटा नंबर जो भी मिलेगा वो तुम्हारे काम का है। टोटलिटी का रहता तो कहता कि उन तीनों का जोड़ 5 हो, ठीक है, तब हम कहते। सर हाँ। जो आप अभी ऑर्डर वाला बता रहे थे उसमें ऐसा बोलता ना कि पहले पे 5 है या दूसरे पे 5 है, तीसरे पे 5 है। ये तो अब इसने तो कह दिया ना कि स्मॉलेस्ट, तो आप तो देखोगे ना कि पहले पे है कि दूसरे पे है कि तीसरे पे है। हाँ तो सर हमको इसमें ऑर्डर से तो मतलब नहीं, वो चाहे जिस वाले पे हो, पहले पे हो, दूसरे पे, तीसरे पे, तो हमको ओके ठीक है। तो अब आप दोनों से निकाल के देखो एक ही रिजल्ट आता है कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आप 10P3 से निकालो, 10C3 से निकालो, अगर ये टोटलिटी की बात कर रहा होगा और मैं इसको ऑर्डर कह रहा हूं तो दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा। Let's try, ठीक है। क्यों? हेलो, यस सर ट्राई करेंगे। आप देखना दोनों से एक ही उत्तर आएगा, आप गलत नहीं बोल रहे हो। हाँ लेकिन चूंकि सर जैसे कि अगर असल में है क्या कि हम इसमें सीक्वेंस देख रहे हैं, ठीक है ना, सीक्वेंस फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है। हाँ लेकिन अगर ये कहता कि थर्ड नंबर 5 हो, ठीक है ना, तब वो आता ऑर्डर। आप गलत नहीं कह रहे हो, आप टोटलिटी की ही बात समझ रहे हो, सही है। लेकिन अगर हम टोटलिटी में कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो वहां परम्यूटेशन भी वैलिड होता है क्योंकि हमने आपको दिखाया हुआ है।
तो आप दोनों से करके देख सकते हो। हाँ ठीक है, अगर आप निकालेंगे 10C3 पॉसिबल होंगे, और आपको इसमें कौन आएंगे जिनमें की स्मॉलेस्ट 5 हो। अब स्मॉलेस्ट 5 बनाने वाले कौन कौन होंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छह होंगे, तो 6 में से 3 आएंगे इसके फेवर वाले, तो 6C3/10C3 होना चाहिए। ठीक है, वही उत्तर आएगा 6P3/10P3, भी जरा निकाल के देख लीजिएगा। इसी तरह से आपको B का भी कर देना है। हाँ ये बहुत मजेदार है, हाँ इसको आप जरूर करिएगा, कम से कम 3 डिजिट का इसका पहले सैंपल स्पेस लिखिएगा, हाँ और तब इनकी इसकी प्रोबेबिलिटी बताने की कोशिश करिएगा। हमारे ख्याल से इन्हीं का ये एक्सटेंशन है। जी बताओ सर, अगर टोटलिटी की बात करेगा तो हम या एनसी लेकिन सर अगर ऑर्डर की बात करेगा तो हमको पी ही लगाना पड़ेगा, पी ही लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो बंद करते हैं, आप लोगों की क्लास 7 मिनट लेट हो गई होगी। राकेश क्या पढ़ा रहे हैं सर? स्टेटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं, अभी मीडियन स्टार्ट करेंगे आज। स्टेटिस्टिक्स तो हम भी पढ़ा रहे हैं सर, वो मीडियन पढ़ाएंगे आज। मीडियन अच्छा, मीडियन क्या होता है कल आप लोग बताएंगे।